मुकाबला जो कि खेला जाएगा no time, फेदरवेट का मुकाबला 140th bout of these championships. It's Petesio Nesty from the Philippines taking on Guy Diana. एक दूसरे के आमने सामने होंगे अनुभवी मुक्केबाज हैं. फेदरवेट का मुकाबला 54 से 57 किलो भार वर्ग का और ये हैं वो पांच जजेस जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करेंगे, उनको अंक प्रदान करेंगे, उनका खेल कौशल को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे. और आज का आखिरी मुकाबला है ये सत्र, दूसरे सत्र का. और ये मुक्केबाज रिंग में प्रवेश करती हुई फिलिस्पीन की रेड कॉर्नर की मुक्केबाज. तबाको की मुक्केबाज, ये टीटीओ की मुक्केबाज रिंग में प्रवेश करती हुई रिंग की तरफ अग्रसर है. ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज और ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज वागो की ये की रिंग में प्रवेश करती हुई रेफरी उनकी वेशभूषा का निरीक्षण करते हुए, जांचते परखते हुए उनके हेडगियर और गम शील्ड उन्होंने पहनी है कि नहीं. गम शील्ड चीटियों की मुक्केबाज रेफरी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है. निर्देश कि वेस्लिन को साफ किया जाए. रेफरी मिस्टर मंसूर की अहम जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी, नियमबद्ध तरीके से खेला, खेल को सुचारू रूप से चलाना. लगातार आगे बढ़कर प्रहार करने की कोशिश है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज फिलिस्पीन की मुक्केबाज. शक्तिशाली प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना चाह रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखता हुआ. ताकत का प्रदर्शन देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ा वेट हो रहा है, वजन वर्ग बढ़ रहा है. फेदर वेट का ये मुकाबला है महिलाओं का. लगातार प्रहार क्षमता, स्ट्रेट जैब आगे बढ़कर प्रहार करती हुई अपरकट का प्रयोग करना चाहा, यहाँ पर हुक का भी प्रयोग किया साथ के साथ. रणनीति अच्छी है फिलिस्पीन की मुक्केबाज की, पुनः अपरकट और ये बिल्कुल सुलझे हुए मुक्के हैं. ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज मनोवैज्ञानिक दबाव में है शायद, धारक क्षमता इतनी सटीक नहीं है उनकी. हालांकि शुरुआती दौर है, शेल गार्ड से अपने आप को बचाया मगर बहुत दूर से रेड कॉर्नर के मुक्केबाज फिलिस्पीन के मुक्केबाज प्रहार कर रही हैं. थोड़ा सा नजदीक आकर शक्ति का प्रदर्शन करें तो ज्यादा अच्छा होगा. शक्तिशाली प्रहार क्षमता है, अपरकट पुनः प्रयोग किया मगर टारगेट एरिया पर लैंड नहीं हुआ. अपरकट के लिए उनको और नजदीक जाना होगा, अपरकट और हुक की गेम के लिए और नजदीक से खेलें तो ज्यादा अच्छा होगा. चक्र चल रहा है, ये फेदर वेट का मुकाबला है 57 किलो भार वर्ग का और आज का ये आखिरी मुकाबला है रिंग ए का. एक दूसरे की शक्ति को तोड़ने की कोशिश, समझने की कोशिश, मूल्यांकन कर रहे हैं एक दूसरे के खेल कौशल का दोनों ही मुक्केबाज फिलहाल.
पहला राउंड है और पहले राउंड में इतनी ज्यादा तेजी नहीं दिखाते हैं मुक्केबाज। हर मुक्केबाज का एक अपना स्टाइल होता है, एक अपनी रणनीति होती है, एक अपना खेलने का तजुर्बा, एक अपने खेलने का रणनीति होती है। उसी प्लान के अनुसार, उसी योजनाबद्ध पद्धति के साथ खेलता है वो खिलाड़ी। स्पेन की मुक्केबाज की प्रहारक क्षमता जो दिखी, वो ऐसे लगा कि जैसे वो वेट कर कर जब प्रहार कर रही है तो शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा है उनके मुक्कों में, ताकत जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा है। ये प्रहार बहुत अच्छे, अंतिम 10 सेकंड से कम समय है, लास्ट 2 सेकंड और इसी के साथ ये पहला चक्र समाप्त हुआ। पहले चक्र की समाप्ति के साथ ही बढ़त जरूर नहीं होगी यहाँ पर रेड कॉर्नर की मुक्केबाज में, मगर निर्णय अंतिम जजिस का। जी हाँ, बिल्कुल सही, 10-10 अंक प्रदान किए हैं, 5-0 से बढ़त बनाने में कामयाब है यहाँ पर फिलिस्तीन की मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज के विरुद्ध। और ये चीज समझी जा सकती है, रणनीति हर मुक्केबाज की अपनी होती है, पर उस रणनीति को जो योजना है उसको प्रयोग करे वो अच्छा मुक्केबाज होता है। और स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग से पता चलता है कि किस तरीके से मुक्केबाज अपना प्रदर्शन करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही प्रदर्शित कर देती है। जैसे कहता है, पूत के पैर पालने में ही देख के पता चल जाते हैं कि वो क्या गुल खिलाएगा, वही चीज यहां पर भी दिखती हुई। बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम भूमिका आती है यहां पर। और दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है, दूसरा चक्र स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ी, बहुत दूर से अपरकट का प्रयोग किया रेड कॉर्नर की मुक्केबाज ने, फिलिस्तीन की मुक्केबाज ने। थोड़ा सा नजदीक आके गिरे ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ गार्ड हटा तो यहाँ पर नुकसान भी हटा हुआ, वो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज को यहाँ पर मारने का मौका मिला, यहाँ पर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज ने अब अपनी योजना में तब्दीली की है, यानी कि प्लान बी की ओर चल रही है वो। प्रहार क्षमता आपकी इस वजन वर्ग में इस तरीके से होनी चाहिए जैसे चीते जैसी तेजी, एकदम ही पलक झपकते ही अगर प्रहार निकले तो समझ जाइए कि आपकी रणनीति अच्छी है, कारगर है। यदि आप इतना विलंब करेंगे, देर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायी रहेगा। प्रहार करते करते आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने से दूर रखें बहुत अच्छा है। कॉर्नर में जा रही है मगर प्रहार कर रही है, अपने प्रतिद्वंदी को अपने से दूर रखने में कामयाब है, तो ये मैं कहूंगा अच्छी कुशलता है रेड कॉर्नर की। मगर ये दिशाहीन लक्ष्यहीन प्रहार हैं, इस तरीके से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप 50-40% अपनी ऊर्जा को, 40-50% की ऊर्जा अगर व्यर्थ कर देंगे तो आपकी स्किल यानी कि आपके खेल कौशल में, आप तकनीक में वो सुधार या वो ताजगी नहीं दिखेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को सूझबूझ के साथ प्रयोग में आना चाहिए। अपरकट का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रहार क्षमता बहुत ज्यादा नीचे झुकी, यहां पर इतना अधिक नीचे झुकना नुकसानदेह है, अपने स्वयं के लिए भी नुकसानदेह है। यदि आप ब्लाइंडली नीचे झुकते हैं तो आपको चोट लग सकती है, आप चोटग्रस्त हो सकते हैं, तो इस चीज के बचना चाहिए आपको। इस तरीके से इतना अधिक नीचे नहीं झुकना चाहिए। प्रयास अच्छे हैं, प्रयास अच्छे हैं, लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई एक अच्छे खेल कुशल का, बहुत ज्यादा सर को नीचे डाल दिया है ब्लू कॉर्नर के बाद में, यहां पर उनके लिए यह नुकसानदेह है। मगर फिर की मुक्केबाज को देखें तो अंतिम क्षणों में जा रहा है ये मुकाबला, दूसरा राउंड है,
दूसरे राउंड में बढ़त बनाने की कोशिश है यहाँ पर फिलिस्पीन के मुक्केबाज की। पहले राउंड में भी उन्होंने बढ़त बनाई थी, 5-0 से बढ़त बनाई हुई थी। अब दूसरे राउंड की समाप्ति के साथ ही यहाँ पर आशीष, अगर हम कहें फिलिस्पीन के मुक्केबाज लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमता का अपना प्रयोग कर रही थी और वो जो क्षमताएं हैं उन्होंने देखिए 10-10 अंक दिए गए हैं सभी जजेज द्वारा। तो पांचों जजेज ने उनको विजयी घोषित किया है राउंड वन में, विजयी घोषित किया राउंड टू में। तीसरा राउंड बाकी है, देखना होगा तीसरे राउंड में किस तरीके से खेलेंगी, यह देखना होगा। ये देखिएगा हाइलाइट्स किस तरीके से प्रहार क्षमता रही, जय मगर यहाँ पर पकड़ती हुई दिखी, मगर इस चीज को भी उन्होंने अपने आप से बचाया। अच्छी रणनीति आशीष, बहुत अच्छी बाउट, वन साइडेड नहीं कह सकते हैं, प्रयास बहुत अच्छे हैं ब्लू कॉर्नर के भी, मगर रेड कॉर्नर काफी प्रभावशाली प्रहार क्षमता, अच्छा प्रयास इनका और इनको सफलता भी मिल रही है उस चीज को लेके। मुझे लग रहा है कि शायद ये जो राउंड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों मुक्केबाजों के लिए। दोनों मुक्केबाज अपना दमखम लगाएंगे क्योंकि आखिरी राउंड है। एक मुक्केबाज करीबियन आइलैंड से हैं और एक उनकी जो विपक्षी हैं वो एशिया से हैं। दबाव दोनों मुक्केबाजों पर आएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि आपके विपक्षी के अटैक को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नजदीक आ रहे हैं तो आपके लिए आपके ओपोनेंट तैयार हैं और उस बचाव के चक्कर अपरकट इस बार कोशिश और प्रयास बरकरार है इनका, दबाव बनाने की जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी अब आखिरी दौर में है ये। लेफ्ट स्ट्रेट का प्रयास था, इस बार कामयाबी मिली और अभी भी अग्रेशन दोनों का बरकरार है। इस राउंड का आखिरी मिनट चल रहा है, ये इस बाउट का आखिरी मिनट चल रहा है। कॉम्बिनेशन बरकरार है इनका और इन परिस्थितियों में आखिरी कुछ लम्हे हैं, आखिरी मिनट है इस मुकाबले की समाप्ति में। डिस्टेंस बनाया हुआ है इन्होंने और काउंटर अटैक की कोशिश में है त्रिनिदाद टोबैगो की मुक्केबाज टियाना गाए, ओपन गार्ड के साथ खेल रही हैं ये और काउंटर अटैक में इन पर ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस रोप्स में है। इनकी ओपोनेंट लेफ्ट हुक जाते जाते एक रिलीज किया था, आखिरी 10 सेकेंड लेफ्ट हुक। इस बार दोनों मुक्केबाजों का बढ़िया परफॉर्मेंस और समाप्ति इस राउंड की और इस मुकाबले की। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला, बीच बीच में इन्होंने अपना गार्ड ओपन रखा और काउंटर अटैक के जरिए ही अपने ओपोनेंट पर हावी होने की कोशिश में थी, कामयाबी भी मिली इन्हें, लेकिन अभी इंतजार है रेफरी और जजेस के आखिरी फैसले का। क्या ये जीत जाती है एशियन कॉन्टिनेंट में या फिर ये जीत जाती है करेबियन आइलैंड्स में।
gentlemen, the winner of bout number 140 by a unanimous decision is in the red corner, Patricio Desti from Philippines. फिलीपींस के मुक्केबाज ने 5-0 से इस मुकाबले को जीत लिया है और अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। इन्होंने बढ़िया खेल दिखाया, अटैक किया, काउंटर अटैक किया और राउंड ऑफ 32 को जीतकर इन्होंने अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। इस तरीके से इन्होंने इस मुकाबले को जीता, ये आपके सामने। इनकी ओपोनेंट ओपन गार्ड के साथ खेल रही थी, इनको इनवाइट कर रही थी कि काउंटर अटैक में उनसे पॉइंट्स लेंगी, लेकिन इन्होंने अपने गार्ड को बनाए रखा और जैसे ही मौका मिला अपरकट और हुक्स के जरिए अपने विपक्षी को पूरी तरह से धराशायी करने में कामयाबी हासिल की। दिलेरी दोनों मुक्केबाजों ने दिखाई, बाउट में मजा आया, स्ट्रैटेजीज दोनों की अच्छी थी, लेकिन आखिरकार जीत मिली रेड कॉर्नर के मुक्केबाज से। यही उम्मीद थी और फिलीपींस के इस मुक्केबाज ने अगले दौर में प्रवेश पा लिया है।